आग से दिल्ली के इन चुनावों में बड़े चेहरे जो हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस से रमेश सभरवाल और बीजेपी से सुनील यादव। पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को मुकाबला दे रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी से। कृष्णा तीरथ कांग्रेस की पुरानी दिग्गज इस बार पटेलनगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। प्रवेश रत्न बीजेपी के उनके सामने हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का मुकाबला वहां पर उस सीट पर भी। राजेंद्र नगर सीट पर आरपी सिंह हैं राघव चड्ढा के सामने। बीजेपी के आरपी सिंह राघव चड्ढा को चुनौती दे रहे हैं। राघव चड्ढा इस बार राजेंद्र नगर से चुनाव मैदान में उतरे हैं, इससे पहले वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। उधर रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के, उनके सामने रमेश गुप्ता हैं कांग्रेस के, माफ कीजिएगा सुमेश गुप्ता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के जो पिछली बार जो तीन सीटें जीती थी बीजेपी, उनमें विजेंद्र गुप्ता की भी एक सीट थी। ये बड़े चेहरे हैं। और उधर एक्शन दिखने लग गया है अमित सिंह के पास। अमित, वहां तो लोग पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल किशोर, यहाँ लोग पहुंच गए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पहुंच गई हैं। सीधा हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए मुद्दे क्या क्या हैं इस बार जब आप वोट करने के लिए पहुंची हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो मोदी जी की मेरी प्रेरणा है ना। मुझे ऐसा लगता है बहुत सालों के बाद हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो सच में। चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का स्वास्थ्य जिस तरीके से। दिल्ली देखिए, दिल्ली क्या है ना, जो हमारे जब कोई सुप्रीमो, जो हमारे सबसे बड़े मुखिया, जब वो ईमानदार सच्चे अच्छे और एक विजनरी नेता है, तो उनके अंडर काम करने वाले अपने आप ही वैसे हो जाएंगे। और दिल्ली में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व के अलावा बहुत सारे हमारे जो और पॉलिटिशियंस हैं। आपका क्या कहना है, मुद्दे क्या क्या हैं आपके जहन में? जैसे कि इन्होंने कहा, राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लोकल लेवल पे बताऊं, तो यहाँ पे हमारे कृष्णनगर क्षेत्र में भी बहुत से मुद्दे हैं। सड़कों का मुद्दा, पानी का मुद्दा, बहुत चीज़ें हैं। और क्योंकि डॉक्टर गोयल हमेशा से 20 से 25 साल से इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वो इन सारे मुद्दों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए हम इसी बात को चाहते हैं। बिल्कुल, मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किशोर। देखिए इंटरेस्टिंग तस्वीर है, सुबह जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं जो इलाके के डीसीपी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस तरीके से लगातार इलाके में घूम रहे हैं और ये ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों को इस पूरे चुनाव में काम करना है। यहाँ पर किशोर जी, ये तस्वीरें दिख रही हैं, अमित सिंह मौजूद हैं कृष्णा नगर में वहां से। उधर केजरीवाल के घर के बाहर कुछ हलचल और बड़ी है, विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। चंदन के साथ कुछ लोग मौजूद हैं इधर राजौड़ी गार्डन में। चंदन, बिल्कुल किशोर, हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो पहले दूसरे नंबर के वोटर हैं। राजौरी गार्डन का मुद्दा क्या होगा इस बार, दिल्ली चुनाव का मुद्दा क्या होगा? दिल्ली चुनाव का मुद्दा राजौरी गार्डन को A1 करो, नालियां साफ करो, सड़कें साफ करो और जितने जो वो जो है ना जो रेडी लगाते हैं उनको जगह दो। आप बताइए कि क्या मुद्दा होगा इस बार दिल्ली चुनाव का? दिल्ली चुनाव में इस बार एक ही मुद्दा है, शाहीन बाग। शाहीन बाग वेदर वी आर विद शाहीन बाग और नहीं, हम शाहीन बाग के साथ में है या नहीं। दूसरे तो ये शाहीन बाग मान रहे राजौरी गार्डन में रह करके। और आप बताइए कि क्या लग रहा है, दिल्ली में कई मुद्दे उठे, शाहीन बाग हुआ, विकास का मुद्दा, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, आपको क्या लगता है कि वोटरों का मुद्दा, आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा होगा कि बूढ़ों को ख्याल रखे और सड़कों में जो बच्चे और औरतें चलती है, गाड़ियां पार्किंग होती है, उसको हटाए। चलिए उधर चलते हैं, निर्माण भवन नीरज वहां मौजूद है, वहां लाइनें लगनी शुरू हो गई है। नीरज, देखिए बिल्कुल किशोर, पोलिंग बूथ अंदर है लेकिन निर्माण भवन के बाहर महिलाएं और पुरुष दोनों लंबी कतारें दोनों की लग गई हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सुबह सुबह पहुंची हैं, क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का? देश के विकास चाहिए, क्या देश के विकास चाहिए, लेडीज के सुरक्षा चाहिए, लेडीज की सुरक्षा चाहिए देश का, आपका मेरा भी वही। आप लोग के लिए क्या मुद्दा होगा, आप लोग सुबह सुबह पहुँचे? मेरा पहला मुद्दा तो है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र का स्वाभिमान, धरना पद्धति खत्म हो जिससे दुनिया में भारत की बदनामी हो, इसको रोकना मेरा पहला प्रायोरिटी है। और ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बाहर करने के लिए हम पहले मतदान उसके बाद जलपान लेकर के आए। पहले मतदान, राम माधव जी की तस्वीरें दिख रही हैं, राम माधव जी की तस्वीरें दिख रही हैं।
वो पहुंचे हुए हैं। तो एक्शन अब शुरू हो गया है, दिल्ली में लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। अरुण सिंह मौजूद हैं तुगलक लेन के पोलिंग बूथ पर, उनके साथ भी कुछ वोटर दिख रहे हैं। जी अरुण, किशोर, तुगलक लेन से ठीक बगल में औरंगजेब लेन है और यहाँ पर अटल आदर्श विद्यालय, ये जो औरंगजेब लेन है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर राहुल गांधी को, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, लेकिन इस बीच जो मतदाता आ रहे हैं और सबसे पहले आकर के यहाँ पर खड़े हो गए, एक युवा मतदाता है। सुबह सवेरे आप आए, क्या सोच करके आए यहाँ पर? सर पहला काम करना है, ड्यूटी है हमारी, वोट डालना। हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं आप। एक छोटे सा सवाल मेरा ये कि ये जो इलाका है वीवीआईपी इलाका है, तो बिजली, सड़क और पानी, इन तीन की दिक्कत तो यहाँ नहीं है? इन तीन की कोई दिक्कत है नहीं यहाँ, कोई दिक्कत। तो फिर क्या आप लोग मुद्दे लेकर के आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सर बस रोजगार बढ़िया होना चाहिए, हमारे लिए तो यही है, रोजगार बढ़िया होना चाहिए। और जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, किशोर देखिए, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वीवीआईपी बूथ है, यहाँ पर चारों तरफ वीवीआईपी लोग रहते हैं, फिर भी देखिए सुबह सवेरे 8 बजते ही यहाँ पर देखिए भीड़ लग गई, यहाँ पर तमाम लोग आ गए मताधिकार का अपने प्रयोग करके। सबसे आप महिला हैं, एक बार बताइए क्या आप लोगों को मुद्दे क्या है इस चुनाव में? हमारे मुद्दे तो विकास के ही हैं जी, और दिल्ली में काफी स्वच्छता रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, यही हम लोगों का। लेकिन जिस इलाके में आप रहती हैं यहाँ तो पॉल्यूशन की समस्या थोड़ी कम होगी क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन तो पूरे मतलब शहर में होता है, ऐसे नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया में हो। अच्छा जी, लेकिन बिजली, सड़क, पानी के तो मुद्दे यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो मुद्दे क्या होंगे असली? असली मुद्दे तो पोल्यूशन का ही है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो देखिए ये पोल्यूशन भी, देखिए किस तरीके से लाइनें लगना शुरू हो गई हैं, लाइनें लगना शुरू हो गई किस तरीके से पोलिंग बूथ के बाहर। तो दिल्ली आज लग रहा है कि निकल रही है, ये तस्वीरें देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर लाइनें लगना शुरू हो गई है। किसी के लिए विकास का मुद्दा है, किसी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। हम लोगों से जगह जगह बात कर रहे हैं।